इधर एक ब्लॉग खत्म किया, एक ब्लॉग स्टार्ट किया। सो कैसे हो सारे, इस वक्त आपका मिस्री आरके में। नमस्ते सभी। और भाई हम इतनी सही जगह रुके हैं, ये व्यू देखो उसको कितना बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात इस घर की है, मतलब जो जनरली हम प्रेफर करते हैं, जनरली मेजर लोग, वो है कि घर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। और ये घर ईस्ट फेसिंग है तो सन विल राइज फ्रॉम द टॉप, एंड अभी सनराइज का ही टाइम हो चुका है, लेकिन हम तब तक अलीबाग चले जाएंगे। कल ही ये ऑटो वाले अंकल से बात कर ली थी जो प्रिया के साथ खड़े हैं, कि भाई साहब हम सुबह सुबह जाएंगे, और अभी हम अलीबाग बीच पे पहुंच गए हैं। और मुझे दिख रहा है कि तो स्पॉट है भाई, इसमें यहाँ पे इतनी सही सही जगह फोटो खिंचाने की, तो हम फोटो तो कुछ तो खिंचाएंगे। अरे अंकल दिखा देता हूँ फिर से, जो अपने ऑटो वाले इनके थोड़ा मराठी टच है, तो आप भी अगर सुबह सुबह आना बीच पे बात कर लो, तो फिर ढूंढ लेना सुबह सुबह। हमें लग रहा था सुबह ढूंढना मुश्किल है, तो हम एक दिन पहले बात कर ले। क्या बोलते हैं इसको, क्या है इतीप? इतीप 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 पहले मान के चला। आज अब अच्छा फोटो सेशन और वीडियो सेशन बना लिया यहाँ पे। क्या नाम है अपना जनकर, और इसको क्या बोलते हैं? ATB राइट। चलो आपको डाल दिया हमने वीडियो में, अलीबाग में कोई आएगा तो आपको मिलेगा। अब बोट आ गई अपनी, चलो मानसी चलो। ये भी बोर्ड अपने ट्रेंड खत्म भी हो गई भाई साहब। प्राइसेस का भारतीय पर्यटक 25 रुपए, फॉरन 300। फॉरनर्स भी ऐसे लूटते हैं, फॉरनर्स भी हमें लूटते हैं उधर ऐसे ही। तो बता हम लोग इधर गए अगोड़ा फूड, फॉरनर्स पर 300 रुपीज एंड आर्स वर 75 रुपीज। वो फिर भी 1:4 है, ये 1:12 है भाई साहब। फोर्ट के भी एंट्री है 25 रुपए पर पर्सन, स्कैन कोड करना पड़ता है कैश। अच्छा स्कैन कोड से क्लैरिटी रहती है डेटा की, कैश से हाँ कि काम चालू और सही जगह पैसा जा रहा है। के साथ ही मुझे तो राजा ने यहाँ पे पूरा अपना
प्राइवेट सी बना दिया था कि अपनी दासियों के साथ इस तरफ चला जाया करूंगा और दासियां डूबेंगी भी नहीं आगे तक। वॉक कर रहे हैं एकदम किनारे किनारे, मतलब जहाँ पे सोल्जर्स वॉक करते होंगे टू सेफ गार्ड द फोर्ट। बीच में बीचों बीच मंदिर भी है, ये अपने टीम भी अपने साथ है। क्या बात है, बढ़िया है, चलो वाइब तो है, अच्छा लग रहा है। पूछ लिया ताओ, क्या सीन है यहाँ पे पानी वानी का? यहाँ पे लो टाइड हाई टाइड रहता है। अच्छा, आने के लिए कभी कभी पैदल भी आ सकते हैं, जब लो टाइड रहता है तो पूरा 3-4 घंटे तक हाँ पैदल आ सकते हैं। देखिए एक एक कितने से कितने के बीच में लोग पैदल भी आ जाते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा वो फिक्स नहीं है, डिपेंड रहता है, बट एक अप्रोक्स टाइम की इस टाइम के बीच में तो रहता ही रहता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं रहता है, कभी 1-1.5 घंटे बाद आगे आगे जाता है लो टाइड, वैसे हाई टाइड आता है तो फिर लोग चल के आ जाते हैं यहाँ पे। चल के आ जाते हैं तो लगभग दिन में 1-2 घंटे रहता है रोज? नहीं, खाली सुबह और शाम रहता है। तो शाम को भी रहता है, अगले दिन भी वही रहता है। ओ, जैसे 1.5 घंटा आगे आगे जाता है। अभी आज आएगा 11 बजे पानी आएगा, पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, पानी होगा ही नहीं रास्ते में, या फिर वापस कब तक? आज का कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं, आज का भी नहीं, 2-3 घंटे के अराउंड, लेकिन लोग चल के आ जाएंगे, आज आ जाएंगे 3-4 घंटे तक लोग आएंगे। अभी कितने 1-1.5 बजे तक लोग आएंगे, फिर बाद में पानी बढ़ जाएगा। ओ, रात को वही होता है, रात को भी उतने टाइम में पानी आता है और सुबह वही टाइम में होता है। ओ, तो अलग है। तो ये किसी महाराजे का फोटो की कैसा है कि नॉर्मल? ये शिवाजी महाराज। ओह, शिवाजी महाराज का फोटो है, ठीक है ठीक है, चल धन्यवाद भैया। आ गए बोट में, हमने बोट ही खरीद ली। भैया हमें छोड़ने आ रहे हैं, भैया ने बताया अलीबाग और इसके बीच में जो पानी है वो सिर्फ 3.5-4 फीट है, इसलिए उनको थोड़ा घुमा के जाना पड़ता ताकि ज्यादा, क्योंकि बोट के नीचे मोटर होती है वो फंस फंस ना जाए। सही है, अच्छा है बोट, मतलब आ रहे अलीबाग तो बोट भी आ ही जाओ। अभी अब हमारी तरह किस्मत नहीं होगी कि मौसम अच्छा मिल जाए, बट क्या नहीं चला जाएगा और अब वापिस 1 बजे तक ऐसा भी होता है कि लोग चल के जाते हैं और वापिस बोट पे आते हैं। वो माना लोग चल के आ गए, यस। भाई लोग वॉक करके जा रहे हैं फोर्ट, देखो यहाँ से वो लोग चल के भी चले गए हैं, तभी इनको घुमा के ला रहे, तभी सीधा नहीं जा रहे ना, ये थोड़ा घुमा के लेके जा रहे हैं। निकले तो कुछ ज्यादा ही कम है यार भाई साहब। प्रियांश सिंह ने तो अपनी दिली तमन्ना पूरी कर ली है, यादगार हो गई अलीबाग की। अभी अभी गिर गया समुन्द्र में, पीछे पीछे इतना गहरा है समुन्द्र, और कितना कितनी अंदर आया है अभी, देखा ना अपने पांव, दिखा गिर रहा क्यों? अरे ये मैं घुटने में गिने नहीं हो रहे हैं, बीचों बीच गिर गया। उसकी नोट खोल, इस वीडियो का टाइटल बनाऊंगा, समुद्र के बीचों बीच डूबा प्रियांश। चलते नाव से गिरा युवक कल न्यूज पेपर में आ रहा है।
आधे सेकंड में खड़ा भी हो गया। फिलहाल के लिए तो अपना लिबाग, फिलहाल के लिए अपना लिबाग डन है। अब चलते हैं घर, नहाएंगे खाएंगे आराम करेंगे। हाँ बोलिया, अब टाइम है बढ़िया से नाश्ता भाई अंकल करने का। नाश्ता ब्रंच, सॉरी ब्रंच। चला अभी फोटो खींचा।